Hello everyone, my name is Purnima Dwivedi, Nursing Tutor of our Institute of Nursing, Rangi Lahkar. Today's topic, Threatened Abortion. Threatened Abortion एक type है abortion का. अभी पहले पिछले कुछ videos में मैंने two types of abortion बता दिए थे. Incomplete, complete and third आपका चल रहा है, Threatened Abortion. आज हम जानेंगे थ्रेटन अबॉर्शन क्या है. तो सबसे पहले ये क्लास एनम सेकेंड ईयर वालों के लिए है. तो आज हम बताएंगे थ्रेटन अबॉर्शन के बारे में. तो सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे थ्रेटन अबॉर्शन की. अबॉर्शन का वह टाइप जिसमें अबॉर्शन होना तो स्टार्ट हो जाता है बट उस स्टेज तक नहीं पहुंचता जहां से प्रेगनेंसी को जारी रखना असंभव हो. कहने का मतलब ये कि अबॉर्शन होना तो स्टार्ट हो जाता है बट एक ऐसी कंडीशन तक नहीं पहुंचता जहां पर बेबी की डेथ हो जाए. मतलब अगर टाइम रहते हमको इसकी जानकारी हो जाए कि ये थ्रेटेड अबॉर्शन है, अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उससे बेबी को बचाया जा सकता है, यानी अबॉर्शन होने से रोका जा सकता है. नेक्स्ट है, अगर थ्रेटेड अबॉर्शन है तो किस टाइप के हमको महिला में लक्षण दिखेंगे, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, है ना. तो फर्स्ट है आपका नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग. महिला के वेजाइना से ब्लीडिंग होगी बट नॉर्मल होगी और कभी कभी शाइनी वेजाइनल ब्लीडिंग होती बट थोड़ा थोड़ा होगा. नेक्स्ट है ब्लीडिंग अपने आप रुक जाना. ब्लीडिंग कभी कभी कंटिन्यू होती रहती है और सडनली बंद हो जाती है. तो ये इस टाइप के लक्षण केवल इसी बस में दिखता है. बाकी मैंने बताया था दो टाइप्स जो अबॉर्शन के उसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होती थी बट थ्रेटेंड अबॉर्शन में ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है. फिर स्टार्ट होगी, फिर रुकेगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर रुकेगी. तो ये साइन सिम्टम किसका है, थ्रेटेंड अबॉर्शन का. नेक्स्ट है लोअर एब्डोमेन में पेन होगा और क्रैम्पिंग होगी, मरोड़े होंगे और पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है. मतलब जैसे पीरियड्स में पेन होता है इस टाइप का पेन थ्रेटेंड अबॉर्शन में होगा. लोअर एब्डोमेन साइड क्रैम्पिंग होगी, मरोड़े उठेंगी, वो भी नॉर्मल होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती. पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल तो होती है और इस टाइप के अबॉर्शन में पेशेंट नॉर्मल रहेगा. मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और जो बेबी है वो भी जीवित रहेगा. मैंने बताया कि अगर टाइम रहते इस टाइप का अबॉर्शन पता चल जाए तो बेबी को बचाया जा सकता है, यानी कि ये अबॉर्शन नहीं होने दिया जा सकता है, थिएटर अबॉर्शन. नेक्स्ट सम टाइम्स एब्डोमिनल, मैंने बताया अभी कि एब्डोमिन नीचे साइड लोअर एब्डोमिन साइड क्रैम्पिंग भी होती है. अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट कैसे करें, कैसा मैनेजमेंट करें कि थ्रेटेंड अबॉर्शन ना हो या उसको मैनेज किया जा सके. तो फर्स्ट है ब्लीडिंग के दौरान बेड रेस्ट की सलाह देनी चाहिए. अगर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे हैवी ब्लीडिंग हो या फिर नॉर्मल ब्लीडिंग हो, तो महिला को हम एडवाइस करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए, कोई भारी भरकम चीज ना उठाइए, आराम करिए. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट. महिला अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो डर जाती है, तो सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि ताकि महिला को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, बहुत ज़्यादा फियर ना हो, टेंशन ना हो. तो जो नर्सेस होती हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कंटिन्यूटी देना चाहिए. नेक्स्ट है महिला के बल्बल पैड का निरीक्षण करते रहना चाहिए. जो भी ब्लीडिंग के टाइम अगर महिला के वजाइना में जो भी पैड यूज करना है उसका नाम होता है बल्बल पैड बोला जाता है, तो उसकी बार बार चेकिंग करते रहना चाहिए कि उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्लड का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, तो इससे पता चलता है. नेक्स्ट है महिला को दर्द निवारण हेतु और नींद के लिए डायजीपाम, फिनोबार्बिटोन जैसे ड्रग्स देना चाहिए ताकि महिला को रिलीफ मिले, अच्छी नींद आए. अच्छी नींद आएगी तो वो कंफर्ट फील करेगी और पेन से रिलीफ में मिलेगा उसे और साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होगी. तो इस टाइप की ड्रग्स देनी चाहिए लाइक डायजीपाम एंड फिनोबार्बिटोन.
अबॉर्शन के सभी मामलों में, यानी कि कोई किसी भी टाइप का अबॉर्शन हो, चाहे कंप्लीट अबॉर्शन हो, चाहे वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो, या फिर थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो, इनेविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन, किसी भी अबॉर्शन में अगर महिला आरएस नेगेटिव है तो उसे एंटीजी इम्यूनोग्लोबिन कंपलसरी है देना, मतलब तो देना ही चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी इसका नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।